डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं कामरान शाह और आप देख रहे हैं एमएलटी हब विद कामरान। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू मेक 10% बफर्ड फॉर्मलिन। ठीक है दोस्तों, तो 10% जो बफर्ड फॉर्मलिन है ये हम कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, एक आसान प्रोसीजर के थ्रू प्रैक्टिकली आप डायग्रामेटिकली इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले ये जाने के 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मलिन है क्या दोस्तों। ठीक है, 10% न्यूट्रल बफर फॉर्मलिन जो है दोस्तों, ये एक आइडियल टिश्यू फिक्सेटिव है जिसको हम हिस्टोपैथोलॉजी में यूज़ करते हैं और इसमें हम टिश्यू को रखते हैं। ठीक है, और अगर टिश्यू को हम इसमें रख दें तो एक साल तक ये टिश्यू हम इसमें रख सकते हैं और इस टिश्यू के साइज़ में, शेप में किसी भी किस्म का चेंज नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, नॉर्मली आप लोगों ने बुक्स में देखा होगा कि 10% फॉर्मलिन के बारे में बताया जाता है, लेकिन 10% फॉर्मलिन में एक मसला होता है, अगर ये बफर्ड फॉर्म में ना हो, सिर्फ 10% फॉर्मलिन जो है वो हिमटीन क्रिस्टल्स बना देता है जिसकी वजह से टिश्यू ख़राब हो सकता है और माइक्रोस्कोपी में बड़ा मसला फिर होता है। ठीक है, जो मॉर्फोलॉजी है सेल्स की, टिश्यू की, वो फिर ख़राब हो जाती है, तो इसलिए इसे न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मलिन में लाना होता है। तो उसके लिए बफर्स का इस्तेमाल करना होता है, वो कैसे करते हैं वो आगे प्रैक्टिकल में डायग्रामेटिकली मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, सो रिक्वायरमेंट्स क्या है हमारे पास 10% बफर्ड फॉर्मलिन बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, जो पहली चीज़ है वो है हमारे पास डिजिटल स्केल। ठीक है, ये हम लेंगे। इसके बाद हम लेंगे ग्रेजुएटेड साइलेंडर, ठीक है, जिसकी जो वॉल्यूम होगी वो 100 ml तक होगी। ठीक है दोस्तों, फॉर्मल्डिहाइड हम लेंगे। दोस्तों, फॉर्मल्डिहाइड जो है वो 35-40% तक हम ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 37% है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये याद रखें कि ये एसिडिक होता है। ठीक है, जो फॉर्मल्डिहाइड 37% होता है, ठीक है, तो ये एसिडिक फॉर्म में होता है। ठीक है, इसके अलावा हम डिस्टिल वाटर लेंगे। ठीक है, डिस्टिल वाटर अगर लैब में नहीं है तो आप नॉर्मल सलाइन भी ले सकते हैं। इसके अलावा पैरा फिल्म जो है ये हम लेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास बफर्स हैं, फॉस्फेट बफर्स जिसमें डाइसोडियम फॉस्फेट है, ये हम लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा मोनोसोडियम फॉस्फेट, ये हम लेंगे। तो ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स हैं 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मलिन बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो प्रोसीजर साइड पर आते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 10 ml फॉर्मल्डिहाइड आप लेंगे जिसका जो कंसंट्रेशन होगा 35-40% होगा इन ए ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ठीक है, ये हमारे पास ग्रेजुएटेड सिलेंडर है, आप इस पर देख सकते हैं नंबर्स। तो 10 ml जो है वो हम लेंगे ये फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पर आप फॉर्मल्डिहाइड देख सकते हैं 37%। ठीक है, तो हम डाल देंगे 10 ml तक फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर स्टेप पर हम क्या करेंगे कि जो सिलेंडर है, जो ऑलरेडी हमने 10 ml तक उसमें फॉर्मल्डिहाइड डाला हुआ है, ठीक है, तो इसमें अभी हमने डिस्टिल वाटर डालना है और डिस्टिल वाटर हम कितना डालेंगे, 100 ml की मार्क तक डालेंगे। ठीक है, तो ये 100 ml की मार्क तक आ गया हमारे पास डिस्टिल वाटर। अगर डिस्टिल वाटर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो 10 ml हमारे पास आया था फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, जो 90 ml बचा था 100 ml तक, ठीक है, तो वो हमने डाल दिया है डिस्टिल वाटर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो थर्ड नंबर स्टेप है वो क्या है कि आपने फॉर्मल्डिहाइड और इस डिस्टिल वाटर को अभी इसके ऊपर आपने पैराफिल्म डालना है। ठीक है, और मिक्स करना है। ठीक है, तो पैराफिल्म जो है ये एक आप इसे कह सकते हैं कि एक कागज़ शेप का होता है। ठीक है, जो हम इसके ओपनिंग पर डालेंगे ग्रेजुएटेड सिलेंडर के, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी डिस्टिल वाटर और फॉर्मल्डिहाइड जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये डालने के बाद हम इसे मिक्स कर देंगे। ठीक है, और मिक्स करने के बाद फोर्थ नंबर स्टेप हमारे पास स्टार्ट होगा। फोर्थ नंबर स्टेप में अभी हम इसमें जो हमने ये सॉल्यूशन बनाया है 10% फॉर्मलिन, ठीक है, यहाँ पर अगर बैक साइड पर अगर आप यहाँ देख लें तो ये अभी हमारे पास 10% फॉर्मलिन बना है। ठीक है, बफर्ड फॉर्मलिन नहीं बना क्योंकि अभी तक इसमें हमने बफर नहीं डाला, ये सिर्फ 10% फॉर्मलिन बना है और ये 10% फॉर्मलिन एसिडिक होता है, ये इतना आइडियल फिक्सेटिव नहीं होता टिश्यू
के लिए, क्योंकि इसकी वजह से जो टिश्यू है उसमें हेमटीन क्रिस्टल्स बन सकते हैं जिसकी वजह से माइक्रोस्कोपी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो इसे हमने बफर्ड फॉर्म में लाना है, न्यूट्रल फॉर्म में, 7 pH पर हमने लाना है, ठीक है, क्योंकि ये अभी एसिडिक है। तो बफर हम कैसे बनाएंगे, 6.1 ग्राम डाइसोडियम फॉस्फेट हम लेंगे और 0.15 ग्राम मोनोसोडियम फॉस्फेट हम लेंगे और इन्हें मिक्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद 0.08 ग्राम फॉस्फेट बफर मिक्सचर हम लेंगे और इसे हम ऐड कर देंगे 10% फॉर्मलिन में, तो हमारे पास जो 10% फॉर्मलिन है ये 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मलिन बन जाएगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ मैं डायग्रामेटिकली आपको बताता हूँ। दोस्तों आपने डिजिटल स्केल लिया, ठीक है दोस्तों, और डाइसोडियम फॉस्फेट लिया आपने, ठीक है। इस डाइसोडियम फॉस्फेट से आपने डालना है कितना, 6.1 ग्राम, ठीक है। ये आपने वेट करना है 6.1 ग्राम डाइसोडियम फॉस्फेट और इसे आपने डाल देना है एक प्लेट में, ठीक है। 6.1 ग्राम जो है वो आप डाल दोगे एक प्लेट में। इसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके पास मोनोसोडियम फॉस्फेट है, ठीक है, ये अभी आपने डालना है 0.15 ग्राम, ठीक है। अलग अलग से आपने इन फॉस्फेट बफर्स का वेट लेना है, ठीक है। तो मोनोसोडियम फॉस्फेट हम लेंगे कितना, ये हम लेंगे 0.15 ग्राम, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी हमने 0.15 ग्राम लिया है और ये भी हम डाल देंगे इस प्लेट में, ठीक है। इस प्लेट में डालने के बाद, इस प्लेट में हमारे पास अभी दो बफर्स आ गए हैं, एक डाइसोडियम फॉस्फेट जिसकी क्वांटिटी जो थी वो 6.1 ग्राम थी और मोनोसोडियम फॉस्फेट जिसकी क्वांटिटी 0.15 ग्राम थी। इन दोनों को हम अभी मिक्स करेंगे, ठीक है। दोनों बफर्स को मिक्स करने के बाद अभी हम दोबारा से वेट मशीन पर इस मिक्स्ड बफर से कितना अमाउंट लेंगे, इससे हम लेंगे 0.08 ग्राम, ठीक है। मिक्स करने के बाद, इस इन दोनों बफर्स को मिक्स करने के बाद हम 0.08 ग्राम अलग से लेंगे, ठीक है, और इसको हम डाल देंगे ऑलरेडी ग्रेजुएटेड सिलेंडर में जिसमें डिस्टिल वाटर और फॉर्मल्डिहाइड प्रेजेंट है, ठीक है, और ये 10% अभी फॉर्मलिन है। लेकिन जैसे ही हम ये बफर इसमें डालेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मलिन और ये हमारे पास आइडियल फिक्सेटिव है टिश्यू के लिए। अगर एक साल तक भी इसमें टिश्यू पड़ा रहे तो ये ख़राब नहीं होता, इसमें हेमटीन के क्रिस्टल नहीं बनते और इसकी मॉर्फोलॉजी और शेप में किसी किस्म का भी फ़र्क नहीं आता। तो दोस्तों ये था 10% बफर्ड फॉर्मलिन बनाने का तरीका। उम्मीद है आप लोगों ने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।